इनायत कुछ करम, कुछ इनायत कुछ रहम ओ अल्लाह। कुछ करम कुछ इनायत कुछ रहम, थोड़ी हैं फरमाइशें जो जरा गुंजाइशें, ना कोई मजबूर हो पर साथ जा सुरूर, तो इस लिफाफे पे लिखा, इस लिफाफे पे लिखा है दिल से मैंने बिस्मिल्ला। पहलवान 300% चीजें बन जा, ये भी तैयार हो जाए, 300% चीजें बन जा, ये पहलवान जल्दी से जल्दी अखाड़े में आ जाए। Yeah.
अखाड़े के अंदर ही कुश्ती जो है वो मान्य होगी। हार जीत जो है वो अखाड़े के अंदर ही मान्य होगी। की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज हमारे अपने प्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी हमारे बीच में हैं। मैं अपनी तरफ से और कमेटी की तरफ से और ग्राम पंचायत जिडेरे की तरफ से और इस सभी जनता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है।
कुमार जी मलटी वर्सेज मोहम्मद रफी तीसा। आज के माननीय सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय विधायक सदर चंबा श्रीमान पवन नैयर जी को सम्मानित करेंगे। हमारी पंचायत की प्रधान श्रीमती पूजा शर्मा, आज के मुख्य अतिथि वो चंबा के तेज तर्रार भाजपा विधायक पवन नैयर जी को शॉल टोपी वो स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगी। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो जोरदार तालियां बजाकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मेरा निवेदन रहेगा सदर विधायक से कि वो उनको सम्मानित करेंगी। बोली भाइयों से निवेदन है कि वो ढोल की तान को बंद कर दें। सम्मानित किया जा रहा है सदर विधायक श्रीमान पवन नैयर को। सभी दर्शकों से निवेदन है कि जोरदार सीटियां वो तालियां बजाकर जोरदार तालियां बजाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। दर्शकों से निवेदन है कि वो जोरदार तालियां बजाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। दर्शकों से निवेदन है कि एक बार पुनः जोरदार तालियां वो सीटियां बजाकर आज के मुख्य अतिथि चंबा के तेज तर्रार विधायक श्रीमान पवन नैयर को सम्मानित किया गया। जसवीर नागपाल जी को उपाध्यक्ष जसवीर नागपाल जी को मेरा सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियां बजाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद सर। वो शाम शिक्षक किशोरी लाल शर्मा जी को टोपी वो बैच पहनाकर सम्मानित करेंगे जाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। शिक्षक किशोरी लाल शर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है छिन्न कमेटी के प्रधान मोहन शर्मा द्वारा। कृपया जोरदार तालियां बजाएं। हमारे जडेरा के जुझारू वो कर्मठ वार्ड सदस्य साथ ही बीजेपी के जुझारू कार्यकर्ता बलदेव जी की जोरदार सीटियां बजाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सम्मानित किया जा रहा है दुबोक वार्ड के वार्ड पार्षद जो कि पूर्व में नगर परिषद चंबा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं श्रीमान जितेंद्र सूर्य जी। जोरदार तालियां बजाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। महामंत्री हैं वो बीजेपी कार्यकारिणी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य गुरुचरण चावला जी को सम्मानित कर रहे हैं। दर्शकों से निवेदन है कि जोरदार सीटियां बजाकर पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। के सदस्य श्रीमान देवेंद्र शर्मा जी को धन्यवाद सर। टोपी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है बीजेपी जिला कार्यकारिणी के सदस्य जी तथा साथ में उनके साथ में आए हुए हमारे मेहमान, उनका मैं तहे दिल से जडेरा पंचायत छिंज मेला में पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि जडेरा पंचायत में पहली बार चंबा के तेज तर्रार विधायक श्री पवन नैयर जी हमारी जडेरा पंचायत की छिंज में आए और हमारे मेले की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। ये सभी पहलवान तैयार रहे पत्नी नूरपुर पर श्री कृष्ण दिल्ली अभिवादन स्वीकार करें। सुखा पहलवान वर्सेस सुखा पहलवान अमृतसर। मुख्य अतिथि महोदय अमृत सभी ध्यान देंगे। किसी भाई साहब का मोबाइल गिर गया है, आइडल का मोबाइल है, अगर किसी भी भाई साहब का लक्की पप्पी नूरपुर लक्की दिल्ली कृष्ण जी वो पड़ोसी राज्य कांगड़ा से लक्की पप्पी जी होगा।
विश्वास कुमार जी मंच हेलो अरे हेलो अखाड़े को खाली ना रखे जल्द से जल्द जोड़ी बनाकर समय की गिरजारा की प्रधान और मेरी छोटी बहन पूजा शर्मा जी, श्री जसवीर नागपाल जी जो कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमरनाथ जी जो कि अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा चंबा मंडल के, श्री जितेंद्र सूर्य जी जो कि म्यूचुअल कमिश्नर भी हैं और मेरे साथ 1986 से ये हम दोनों ने वहाँ से इलेक्शन पहली इलेक्शन लड़ी और आज तक हम इकट्ठे हैं। ये भी उपाध्यक्ष रहे और मैं भी दो बार म्यूचुअल कमेटी का उपाध्यक्ष रहे। श्री गुरचरण चावला जी ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं। श्री देवेंद्र शर्मा जी ये भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। श्री किशोरी लाल जी और उप प्रधान हैं और दूर दूर से आए हमारे विभिन्न पंचायतों के वार्ड मेंबर श्री अशोक टंडन जी, कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री बलदेव ठाकुर जी, वार्ड मेंबर जडेरा वार्ड चुनी लाल जी, भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री श्री नरेंद्र सिंह नरयाल जी, मोनू शर्मा जी छिंज मेला कमेटी के प्रधान, किशोरी लाल जी वार्ड मेंबर, यासीन मोहम्मद जी जो कि संयोजक हैं। पहले मैं प्रधान जी का छिंज मेला कमेटी के प्रधान का सचिव का और समस्त वार्ड जडेरा पंचायत के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहां पर बुलाया। आज जन्माष्टमी का वो मुबारकबाद देता हूं। ये जडेरा पंचायत का मेरा जीतने के बाद दूसरा दौर है। आज सरकार बने हुए तकरीबन 7 महीने होने जा रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं खुद, जैसे मैंने इलेक्शन के वक्त भी वादा किया था कि मैं हर एक जगह खुद जाऊंगा और मैंने हर एक जगह मैं खुद जा रहा हूँ। आम लोगों देखो कि दो बार मैं सिलग राड़ गया और दो बार मैं आज जडेरा में आया हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, रिकॉर्ड है कि 7 महीने के अंदर चंबा का इनका दूसरा दौर है और 7 कैबिनेट मिनिस्टरों ने 7 महीने के अंदर चंबा का दौरा किया। नहीं तो पहले जो लोग थे वो सिर्फ मिंजर मेले में आते थे। इस बार 7 महीने के अंदर 5-6 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 बार मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया हुआ और जो पिछली बार आए थे तो आप लोग देखा होगा कि उन्होंने गुजर कल्याण बोर्ड का गठन किया है और उसमें पहली बार किसी सरकार ने अगर कोई हमारी कोई गरीब लड़की है उसकी मैरिज के लिए उसने 25,000 रुपये दिया है, बाकी गुजर लोगों के लिए विभिन्न उन्होंने स्कीमें बनाई हैं। ये पहली बार हुआ है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं ऐसा नहीं किया है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हरेक वर्ग के लिए ऐसी ऐसी स्कीमें बनाई हैं। अब आपने देखा होगा कि जितने भी पहले हमारी औरतें जो थी वो सारा दिन लकड़ी करती रहते थे और धुएं में काम करना पड़ता था, अब तो दिखा होना जो सारे जो जेड़े है गैस सिलेंडर भी दिता उन्होंने और चूल्हे भी दिते हैं। ये पहली बार ऐसी सरकार है और 25 सितंबर का हमारे जेड़े मुख्यमंत्री
उन्होंने एक होर स्कीम चालू की जी मैं तुम पहले भी दसिया 5 लाख रुपए वाली अगर कोई आदमी बीमार हों और डायरैक्ट उन्होंने खाते अंदर ये सारे लोगों ने मैं प्रधान होने जी बोलिया कि जितने तुम्हारे पंचायत सदस्य सारे अपने अपने वार्ड अंदर जाई करी और जितने भी तुम्हारे गरीब लोग हैं वो मेरी कार्ड बनना और अगर कोई बीमार होता 5 लाख रुपए सरकार ने देना उसे तो ऐसी ऐसी जी स्कीमें अबे परसू तुम दिखा होना जी चंबे चौगान अंदर पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट ऑफिस अंदर बैंक खुली गया अभी तुम जो चंबे भी जाने की जरूरत नहीं है तुमने एक फोन करना और उसके तो डाकिया ने तुम्हारे घरे पैसे दे जाने जितने पैसे होंगे 1 लाख होगा 1 लाख मंगे 1 लाख दे जाना उन्होंने और जो खाते भी तुमने खोलने होंगे तो वो खाते भी जो तुम्हारे जो उन्होंने 1 मिनट अंदर खाता खुल जाना उसे कुछ जाने की जरूरत नहीं इं बैंक अंदर लाइना लगाना पौंदी थी चंबे जाना पौंदा थी अगर कोई वो नहीं रहा अगर डाकियां तुम घरे पैसे देने सारे अक्तूबर महीने हमारे मुख्यमंत्री शांता कुमार जी आते हैं इन्होंने जो वायदा किया सीमेंट कारखाने का उसका जरा उद्घाटन अक्तूबर महीने कर देना मारे मैं अभी शिमले था घेरा और मैं मुख्यमंत्री होरी कने रिक्वेस्ट की मेरे मारे जो किसान लोग चंबे आते उन्हें रहने कोई जगह नहीं होंगी और तुसा हैरान हो जाना कि 64 लाख रुपया चंबे पुजी भी गया और इसका जरा जे किसान भवन चले गया बनना राजपुरे लगे बनना राजपुरे इसके टेंडर हो जाने अबे पैसा मिलेगा चंबे पुजी गया और 64 लाख रुपए कहीं किसान भवन बनना और वो राजपुरे बनना वाले जितनी मारी जिस जान अज जितने सिर्फ 7 महीने हुई है और तुम 7 महीने दिखा चारों पास काम लगे थे इतना पैसा आया 100 करोड़ का ज्यादा पैसा आंदे होना सने इस मौके असो तो मैं तुसो इलेक्शन मौके बोलता बोलिया तो तुसो असो कोई नहीं ठगी सकता असा ने सारे का मुख्यमंत्री होली की जाए करी और ऐसे मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलने जिन्होंने 7 महीने अंदर 9000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम दी है ये आज तक एक रिकॉर्ड है कोई भी जो मुख्यमंत्री रहे हमारे चाहे वो शांता कुमार जी रहे चाहे धोमल जी रहे चाहे राजा वीरभद्र जी रहे उन्हीं भी 6-7 महीने अंदर इतना पैसा नहीं देते मैं आईपीएच मंत्री होरी कने मिलया था और तुसा ये भी एक और खुशी की गल है कि इन्होंने 40-45 करोड़ रुपए की मुझे बोले जितनी भी स्कीम तुम्हारी वो सारी ले करी आओ क्योंकि पाइपा हमारी सारी पुरानी 15-20 साल हो गए पाइपा लगे रहे और जितनी भी तुम्हारी पाइप होनी सारी चेंज होनी जो पुरानी जितनी पाइप ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्कीम बनी की चली गई जिस मौके सेंक्शन होगी आनी ये जितनी पुरानी पाइप ये सारी तुम्हारी चेंज हो जानी सारी सड़क तुम दिखी लो क्या हाल थे अब तुम सड़क दिखी लो जाएगी सारे कम उत्थे लगे रहे और इसकने जे तुम्हारे कोई 6-7 दिन पूरा अबे पैसा लेके आया मैं सिला ग्राड ऑयल का इसका अबे पैसा जमा कराया इसका काम अभी टेंडर लेइए और टेंडर मेरे ख्याल इसका कोई कुछ पंगा पे कोई कोड़ द्वारा भी सिरे टेंडर लगते हैं ये स्रोत है रब द एक ब्रिज और सड़क का मैं एक्शन साहब होने तक गल की वह भी सेंक्शन हो गया और उसका काम भी बड़ा जल्दी लग जाना इं गरजन का भी जो पुल का काम है इसके भी टेंडर बड़े जल्दी लगने मैं मेरे पीछे लगे रहा और अस कोई शर्म की गल मैं आपू सैकटरी का हो चाहे मुख्यमंत्री आपू जा रेंगे और मुख्यमंत्री होरी चंबे वास्ते कोई ना नहीं है असं इतने इतने पैसे ले गए तुम पूछो मत कोई भी कोई कुछ गरीब का काम होगा कोई तुम जिस मौके मर्जी आओ कभी कोई MLA तुम दिखे होना कभी आए या कोई चौथा टूर है माना दिखी लो 2 बारी सिले 2 बारी इतने अज दिने भी हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं फिर भी अज जन्मअष्टमी जुलूस दिन अस सारे उत्तर जुलूस करने थे और उत्तर सीधे अस इतने आईए और तुसा ने देखे होना खजियार रोड थी मारी कितने मारे मंत्री रहे 5-5, 6-6 मंत्री रहे चंबे अंदर कभी खजियार का काम लग्या अभी तुम जाओ मुख्यमंत्री शिलान्यास भी करिए 15 करोड़ रुपये उस मौके इतने कोई ठगने वाला काम नहीं है शिलान्यास करिए कहीं टेंडर लेइए चंबा जुमार रोड दिखे लियो आदमी मोटरसाइकिल लेके भी चलाता भी डरता था अभी उसका काम ले पे रहे चंबा मलूणा रोड का था उसका काम लगे रहे बाड़ी देर रोड का उत्ते काम लगे रहे
अब तुम उपर के किलो मंगला सिंह और काम भी कंप्लीट हो गया। अब मैं शिलान्यास की तरह सर मिलो मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए और रोड से कंप्लीट हुई और अबे मैं कोई मेरे ख्याल 5-6 दिन अंदर कीड़ी ना कीड़ी लगे का काम लग रहा है स्टार्ट होना उसका शिलान्यास करना सर उसका पैसा आई गया 3.5 करोड़ रुपये कने वो रोड बननी है और मेरे ख्याल कोई 7-8 अबे एक्सी साहब ने गल की थी मैं बोले अभी तुम्हारा शिलान्यास कराई देना बूटे कटिंग का काम उ चालू हो गया इस कने तुस बिल्कुल कोई वो नहीं करनी अब 2 लेन बन गई फिर 4 लेन बन गई 30 साल और पीछे गए अभी अभी मैं इन्होंने पकड़े जाए और मैं फटाफट हो जाए पहले 2 लेन बननी ताकि अभी 4 लेन में जाइए पूरा हिमाचल में सड़क जी 4 लेन बन दी सिर्फ चंबा ही है जितने हाल 2 लेन भी नहीं बनी क्योंकि तो बोलने वाला कोई नहीं था मैं सारे एक्शन साहब पूछे एसी साहब पूछे बोले जी इं बनाई थी इसने क्योंकि तो कोई बोलता नहीं थी सारे चंबा कौंसल इन्होंने लावारस कौंसल समझी थी जोड़ा मर्जी आता था इतने जो मर्जी करी जाता था अवे चीज नी अवे चंबा कौंसल तुम दिखी लेना एक साल के अंदर अंदर तुम चेंज दिखी लैनी तुम पुराने बस अड्डे का दिखो तुम कम लगे कि लगे अब क्यों फुटपाथ बनया अजे पर मोर चौंक फुटपाथ बनना वो भी तुम लोगों ताकि सड़क अंदर नहीं चले लोग सारे उपर घर लगे थी असं उत्तर स्प्रे का काम कराई दिता ताकि लोगों उपर कोई नुकसान ना हो इस कने जो तुम्हारे ते प्रधान इन्होंने मुझे कल भी मिले और अबे भी पीछे की अनाउंस करो ये जो तुम्हारा जितना स्टेडियम है ये बिल्कुल कच्चा है ये मारे हत्था लिखिता थे इस 2 लाख रुपया असं देता इस वास्ते और 2 लाख ने ये तुम्हारे जितने भी ये होने इन्हें मैं बोली तेन एस्टिमेट ज़्यादा बनाओ अगर पैसा ज़्यादा लगा तो असं ज़्यादा देंगे। एक बारी मैं चंबी पंचायत अंदर मारे क्लब में बेचारा एक पवन हूँ उसकी डैथ हुई गई थी और मैं लकड़ी पाना गया इतने चंबी और मैं शमशान घाट का रास्ता देखा इतना बुरा हाल था जो तुम पूछो मत मैं आंदे ही सारे के पहले उस वास्ते 2 लाख रुपये दिता और इतने मैं प्रधान कने भी रिक्वेस्ट करता उसका काम जल्दी जल्दी लगा दिता जाए क्योंकि ये उस रस्ते ना पता नहीं लोग जाते भी के लिए अज तक पैदल चले तो ती बड़ा बुरा हाल था उसे 2 लाख देता 2 लाख इशो देता सने और भी कोई पैसा लगा स्टेडियम जड़ा मैं प्रधान हो रही बोलता है कि इसका बिल्कुल बढ़िया काम होना है मैं आपको आई मौका करना है इसका और ताकि काम जरा हमारा बिल्कुल ठीक होए इसके लिए मैं एक बार फिर चेंज मेला कमेटी का और प्रधान का और समस्त वार्ड मैंबर का तय दिल का धन्यवाद करता और पूरा विश्वास दिलाता है कि जो भी काम जडेरा पंचायत रहेंगे प्रायोरिटी कराने धन्यवाद 11,000 रुपये दें। हेलो हेलो अशोक टंडन का धन्यवाद करें मंच पर उपस्थित लोगों से भी आग्रह कि जोरदार तालियां बजाकर विधायक जी का आभार प्रकट करें। पहली बार भी इस स्पर्धा में भाग लेने पहुंची थी तो जोरदार तालियों से कबड्डी स्पर्धा में जसोरगढ़ टीम ने स्थानीय जडेरा टीम को पटकनी दी है तो मैं कबड्डी की उप विजेता टीम के जडेरा के लिए भी तालियां चाहूंगा। ये मेरे सहपाठी रहे हैं ये इनाम ग्रहण कर रहे हैं इनको भी हार्दिक बधाई तिलकराज जी कृपया जल्दी जल्दी से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अब सभी युवा खिलाड़ियों से निवेदन है कि जोरदार सीटियां वो तालियां बजाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मैं जसोरगढ़ की विजेता टीम के एक भाई को इसके बाद ढोल की तान को धीमी कर दें उसके बाद वॉलीबॉल की मैच रेफरी गुलाम नबी आजाद इन्होंने महोदया ये हमारे क्षेत्र के युवा साथी में अपना पुरस्कार प्राप्त करती हुई धन्यवाद करते हुए वॉलीबॉल दमखम दिखा
दिखाया और फाइनल में अपनी जगह बनाई, मगर बदकिस्मती से ये उपविजेता रही। मैं चाहूँगा कि जडेरा टीम इनके लिए जोरदार तालियां बजाए। पवन नैयर जी से आते हुए ग्राम पंचायत जडेरा की प्रधान चलो चलो हो गया इनामी राशि देकर सम्मानित किया जा रहा है। दर्शकों से निवेदन है कि जोरदार सीटियां बजाकर स्वागत करें हमारे कांगड़ा जिला के युवा पहलवान। ठीक है हो गया जोरदार
सब तालियों से स्वागत कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है। प्लीज तालियां चाहूंगा, उन्होंने हमारे लिए कीमती समय निकाला और हमारे बीच में आए। हमें तारीफ में इतना कहूंगा कि काश मेरा घर आपके घर के करीब होता। आप नाते आपकी आवाज तो आती रहती, आप नाते आपकी आवाज आती रहती, बहुत ही खूबसूरत आवाज। आप अभी उसमें उसमें फर्दमाल मचाने के लिए आ रहे हो, बच्चों में जोरदार तालियां। सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि सिल्ला ग्राड के बाद आप लोगों ने एक बार फिर मुझे यहां पे बुलाया। सिल्ला ग्राड के प्रधान और यहां के प्रधान और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। सच में खुशी होती है। लेरा मत दिंदा तो अपने इलाके में अपने लोग बुलाते हैं। मुझे जो भी आएगा टूटा फूटा मैं सुनाऊंगा और आप लोगों ने मेरा साथ देना खुल के, ठीक है। एक बड़ा देना ट्रैवल किया खिलाड़ी है Oh,
तुड़ी बजा देंगे तो मेरा हौसला भी अब हो जाएगा, मेरा हौसला भी बढ़ जाएगा जब ताली तुली बजा देंगे। मुझे पता है, मुझे थैंक यू, मुझे पता है साउंड का प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम जो भी हो कोई बात नहीं, साउंड भी हमारा अपन ही है, मतलब मेरा नहीं, मैं मेरे पर मत इल्जाम लादे, पता नहीं मुझे नहीं पता कुछ रहे, पर चलो कोऑपरेट करना चाहिए जो भी स्थिति उस स्थिति में, ठीक है। साउंड भी साथ नहीं देगा, पीछे वाले भी साथ नहीं देंगे, आप लोग भी साथ नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा। अब मैं जो हमारा कल्चर है चंबा का, नवाड़ा भी बोलते उसको, कुछ Yeah.
Thank you.
I'm gonna go to the